मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 6वें आपदा प्रबंधन वैश्विक सम्मेलन का शुभारंभ किया है। 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक होने वाले इस सम्मेलन में अनेक देशों के विशेषज्ञ और वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं। इस सम्मेलन में 60 से अधिक तकनीकी सत्र आयोजित किए जाने हैं। इस मौके पर सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुभव पर आधारित पुस्तक रेजिलिएंट इंडिया का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड ने में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान खोलने के लिए भूमि की व्यवस्था के साथ ही केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा। राज्य में इस संस्थान की खोलने के लिए केंद्र सरकार की जो भी अपेक्षा होगी वो राज्य सरकार पूरी करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में आपदा प्रबंधन के पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे और कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने देहरादून में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का भी जिक्र किया। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। से आने वाले समय में आपदाओं का किस प्रकार से सामना किया जाएगा, किस प्रकार चुनौतियों से लड़ा जाएगा और जो आपदा के बाद होने वाले जो प्रभाव हैं उनको किस तरह से कम किया जाएगा, उसके लिए आज 50 से भी अधिक देशों की दुनिया के अनेकों महाद्वीपों से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्योंकि विशेषज्ञ पहुँचे हुए हैं, वैज्ञानिक पहुँचे हुए हैं। ये सम्मेलन निश्चित रूप से जिसमें इस सम्मेलन में जो मंथन होगा, चिंतन होगा, आपस में चर्चा होगी, उससे एक अमृत निकलेगा और अमृत हमारे उत्तराखंड के साथ साथ सभी हिमालय राज्यों के लिए और यहाँ आपदाएँ प्रत्येक बरसात में आपदाओं का सामना करना पड़ता है उन सभी के लिए आने वाले समय में सहायक।